हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और यहाँ पर देखिए मैं आज ना मैकेनिक बन बैठी हूँ, क्योंकि ये जो चॉपर होता है ना, तो चॉपर मम्मी का ख़राब हो गया था। इसकी जो डोरी होती है वो टूट गई थी और इसका जो स्प्रिंग होता है अंदर ना, तो स्प्रिंग पूरी तरह से इसमें से निकल चुका था। तो बस मैं उसी कोशिश में लगी थी कि अगर मेरे से बन जाए तो इसे मैं बना लूँगी, जो कि मैं बार बार कोशिश कर रही थी इसे बना, लेकिन बहुत बन ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, जो कि तीन चार बार मैं इसे कई बार खोल खोल के बनाए नहीं हो रहा था। और कल का वीडियो दोस्तों आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि आप लोग के बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आए। और कल ना मैं थोड़ा जल्दबाजी में भी गई थी, वहाँ पे जब पहुँची तो मौसम तो काफ़ी सही था, लेकिन उसके बाद हल्की हल्की ना बूंदाबांदी होने लगी थी, तो फिर ये हुआ कि चलूँ। और कल मैं आप लोग को पुराने मंदिर भी सोची थी ले चलूँ, लेकिन पुराने मंदिर क्या ना, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था और वो पुराना मंदिर जो एकदम गंगा जी के किनारे, तो थोड़ा फिर मतलब डर भी लगता। खैर डरने वाली तो कोई बात है नहीं, लेकिन थोड़ा वो लग रहा था। तो पुरानी मंदिर तो मैं नहीं गई थी और वहाँ पर ना एक नई मंदिर और बनी है दुर्गा जी की, तो वहाँ पे भी मैं नहीं गई थी, क्योंकि वहाँ पे भी मतलब पापा लोग का काफ़ी अच्छी मंदिर बनी है, जहाँ पे मैं आप लोगों को सीता माता के दर्शन कराए ना, तो उसी रास्ता पे जाने लगो तो बगल में ही जहाँ पे पूरा सामान उमान बिकता है, पूरा जैसे दुकान लगी है, तो उसी लाइन में दुर्गा माता की बहुत ही सुंदर मंदिर बनी है। अब चलिए अगली बार आऊँगी तो आप लोग को पुरानी मंदिर और दुर्गा जी माता के दर्शन ज़रूर कराऊँगी, जो नई मंदिर बनी है। और जो सीता माता की मंदिर है ना, जो पुरानी मंदिर, वहाँ वाल्मीकि आश्रम मतलब सब है वहाँ पर, जैसे वाल्मीकि आश्रम था जहाँ पर सीता माँ रही थी, लोकुश का जन्म हुआ था, पूरा यहाँ ही हुआ है हमारे मतलब क्षेत्र में क्या, मैं उसी गांव में ही हूँ, मेरा गांव ही सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी में छोटे छोटे कई गांव हैं, तो बस उसी में से एक मेरा भी गांव है। पूरा डिटेल में तो नहीं बताऊँगी, लेकिन हाँ ये जान लीजिए, अगर सीतामढ़ी पहुँच गए तो आप लोग मेरे गाँव पहुँच गए, यानी कि मेरे मायके। तो बस क्योंकि हम लोग का नाम, अगर हम लोग चलते हैं ना तो गाड़ी से, तो बस यही कहते हैं कि सीतामढ़ी पहुँच जाना है, तो बस डायरेक्ट हम लोग को कोई भी गाड़ी रहती है तो हम लोग आ जाते हैं। तो उसके बाद फिर देखिए कल वहाँ से आने के बाद ना, फिर उसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। वहाँ से आते आते मुझे 9:30 बज गए थे। तो फिर ये देखिए आज की वीडियो है, दूसरे दिन की वीडियो है, और यहाँ पे देखिए मैं लगा रही हूँ सब जगह की झाड़ू, क्योंकि मैं दोपहर 2 बजे से ही सारा काम कर दी थी और ये वीडियो ना 2 बजे से स्टार्ट करी हूँ, तो 2 बजे ही सारा काम कर दी, क्योंकि हम मुझे और मम्मी को जाना है मार्केट। और ये वीडियो है संडे की, पिछले संडे की वीडियो है, तो मुझे और मम्मी को जाना था मार्केट। एक संडे तो आज है और ये अगले संडे की वीडियो है, यानी आज आप लोग को वीडियो मिल रही है, तो आज का संडे और एक मतलब पिछले संडे की वीडियो है। तो यहाँ पर ना मैं मम्मी और प्रिंसी जा रहे थे मार्केट, तो बस उसी की तैयारी करने लगी, तो इसलिए हम लोग काम वम सब जल्दी कर लिए थे, क्योंकि फिर मार्केट उसके से आने के बाद ना फिर काम फैला रहा था तो अच्छा नहीं लगता। तो मम्मी बर्तन धो लिए थे, फट से मैं झाड़ू उड़ू लगा ली थी, और उसके बाद जो कल मैं साड़ी पहनी थी ना, तो वही साड़ी पहन ली थी, क्योंकि गंदी तो थी नहीं कल साड़ी, मैं कही चलो आज पहन लूँगी और उसके बाद ये साड़ी मम्मी की धुल के डाल दूँगी। तो उसके बाद बस मैं भी हो गई थी तैयार। और यहाँ पे ना दोस्तों, हमारे यहाँ पे गाड़ी मतलब रोड बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, बस हमारा जो घर है घर के पीछे से ये देखिए रोड गई है, तो बस मैं मम्मी प्रिंसेस अब यहाँ पे आ गए, फिर ऑटो आती जाती रहती है, तो हम लोग मार्केट उठ के जहाँ भी जाना होता तो यहाँ से चले जाते हैं। बस यही अच्छा कि यहाँ पर हम लोग को पैदल नहीं चलना पड़ता, ससुराल में तो मुझे बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है। तो यह समय देखिए एकदम रोड एकदम देखिए खाली है, देखिए सड़क बिल्कुल भी खाली, कोई भी गाड़ी नहीं आ रही है, क्योंकि ना इस समय गर्मी इतनी है। खैर मौसम तो आज का काफ़ी अच्छा है, देखिए काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, और जो सामने आप लोग देख रहे हैं ना, इसे हम लोग कहते हैं नारे। और यहाँ पे क्या है ना, हम लोग का खेत है सब, ये देखिए जो सामने जो खेत दिख रहा है ये भी हम ही लोग का है, तो बस ये पूरा हम लोग का नार है यहाँ पे सब लोग। और देखिए ना ठीक सामने एकदम गंगा जी भी यहाँ से दिखती हैं। तो उसके बाद देखिए मैं आ गई थी मार्केट में, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आ गए थे साड़ी की शॉप पे, तो यहाँ पे ना साड़ी ये नई दुकान खुली है, तो अभी तो यहाँ पे पूरा सेट हो रहा था, है काफ़ी पुरानी दुकान, लेकिन साड़ी का जो ऊपर बना है इनका सबका ये नया बना है, तो इसलिए पूरा सेट हो रहा था अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए मैं मम्मी प्रिंसेस सब बैठ गए थे साड़ी देखने, और मुझे जो मैं हाथ में साड़ी लूँ ना, ये साड़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, लेकिन क्या था ना इसका कपड़ा मुझे सही नहीं लगा, मतलब कपड़ा सही क्या बिल्कुल भी, जैसे कुछ एक कपड़ा होता है ना कि ज़्यादा चुंगरन आ जाती थी, उस टाइप का एक कपड़ा था। बाकी तो मुझे और कोई साड़ी जमी नहीं, क्योंकि काफ़ी छोटा मार्केट है। ये देखिए मैं
साड़ी ऊपर से कलर उलर इसकी डिजाइन इसका प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा था, बस इसका कपड़ा मुझे नहीं जम रहा था। तो बस इस डिजाइन में कई कलर में थी लेकिन मुझे नहीं जम रहा था। और फिर इसी तरह मतलब बहुत साड़ी देखी ना तो इस तरह से यहाँ पे नहीं जम रही थी मुझे साड़ी, तो साड़ी का तो मन बिल्कुल नहीं बना क्योंकि जब साड़ी नहीं जमती ना तो फिर मेरा लेने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब जो चीज़ की ज़रूरत है ना तो उसी में पैसा लगाओ, नहीं तो फिर फालतू पैसा फंस जाता है। एक बार लालच में ले तो लो, फिर उसका जब नहीं पहनना होता ना तो पैसा फालतू में फंस जाता है। तो उसके बाद साड़ी तो नहीं ली। तो उसके बाद फिर हम लोग देखिए आ गए थे कॉस्मेटिक की दुकान पर, और यहाँ पर मम्मी लेने लगी थी चूड़ी अपने लिए और मेरे लिए चूड़ी लेने लगी थी, जो पक्की वाली चूड़ी आती है ना तो वो मम्मी लेने लगी थी। एक चूड़ी हाइन होती हैं जो पहनाती हैं सबको। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे और उसके बाद फिर देखिए आज हम लोग करेंगे अपना लुक चेंज। तो सबसे पहले देखिए मैं प्रिंसी का कटवा रही थी बाल, क्योंकि प्रिंसी का बाल ना नीचे से बाल तो इसका बहुत अच्छा है, प्रिंसी का काफ़ी लंबे है बहुत मोटा बाल है, लेकिन नीचे से बस थोड़ा थोड़ा रूखा बाल था। तो मैं कही चलो आज इसका भी प्रिंसी का भी करवा देती हूँ। तो करीब प्रिंसी का 4 से 5 इंच के करीब मैं बाल कटवाई थी और काफ़ी ज़्यादा बाल कटवा दी थी, लेकिन फिर हो जाएगा जब दो और सोची एक मन किया कि यू कट में या वी कट में कटवा दूं, लेकिन फिर स्कूल जाती है ना तो फिर चोटी करते अच्छे से नहीं बनेगा, निकला हुआ रहेगा बाल। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसी का बाल कट गया था और उसके बाद देखिए फिर मेरा नंबर आ गया था। और आज मैं अपने आप को पूरा चेंज कर दूंगी, एकदम मेरा लुक चेंज हो जाएगा। और जो ये थी दीदी ना, तो इनका देखिए बेटा खड़ा ना जो भी पानी वाला ली है, इनका बेटा ना पूरा ख़राब कर दिया था और इसमें से पानी नहीं निकल रहा था। तो बस मैं उसे कह दी कि मैं अभी चलो तो मैं पकड़ के लेके चलूँगी अपने घर, लेकिन फिर भी बहुत ज़िद्द कर रहा था, उसे फिर भी ये चाहिए था और किसी तरह से इन्हें करने ही नहीं दे रहा था। इनके पीछे देखिए जाके खड़ा है कब से वही मांग, फिर देखिए भाग के आया इनके पास और फिर परेशान होकर मजबूरी में उसे दे ही दी, इतना ज़्यादा जिद कर रहा था इनसे। तो उसके बाद ना दीदी जो कि अपने हाथ से पानी डालनी थी मेरे बालों पर, फिर यहाँ पे देखिए मैं कटवा रही हूँ अपना बाल, और मैं अपना बाल पूरा आधे से ज़्यादा कटवा दी थी, काफ़ी ज़्यादा बाल मेरा निकल गया था ये देखिए। तो यहाँ पे ना मैं अपना बाल वी कट कटवाई हूँ, पीछे से वी कट करवाई हूँ और आगे से थोड़ा थोड़ा से दीदी कहीं कि आगे से भी करवा लोगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वैसे मेरा बाल क्या है ना, मेरा बाल कर्ली बहुत है, मेरे अब तो कुछ सही होगा, पहले मेरा बाल बहुत ज़्यादा कर्ली था, मतलब इतना कर्ली था ना कि मैं कितना भी कंघी कर लेती तो मेरा बाल उखड़ा ही उखड़ा लगता था, इतना ज़्यादा मेरा बाल कर्ली था। लेकिन अब जैसे चोटी करते करते तो फिर कुछ सही हो गया है। तो बस यहाँ पे देखिए दीदी दोनों साइड से मैं बाल काट रही थी, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो मैं नहीं कट करवाई थी, बस थोड़ा थोड़ा सा करवाई थी और थोड़ा अलग लग रहा था लेकिन अच्छा लग रहा था, जो भी था अच्छा लग रहा था चेहरे पे। तो चलिए ये देखिए आ गया है मेरा फुल लुक, ये देखिए मैं इस तरह से बाल कट करवाई हूँ। और अभी ना इनके यहाँ दीदी का बहुत ज़्यादा अंधेरा था, मतलब उजाला तो बहुत था लेकिन मोबाइल में क्या था ना फोकस पड़ रहा था तो अंधेरा लग रहा था। तो बस प्रिंसी का बाल कट गया, चलिए मैं बाहर निकलती तो अपना पीछे का पूरा बाल दिखाऊंगी किस तरह से कट हुआ है। तो देखिए प्रिंसी से मैं थोड़ा सा करती कि प्रिंसी देखो बना, लेकिन प्रिंसी अच्छे से नहीं बनाई थी। तो चलिए मैं आप लोग को घर चल कर फिर अपना बाल दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से कटाई हूँ बाल, अच्छा लग रहा है, हैप्पी हैप्पी निकल आई। मेरा तो नाम सिंपल है, प्रिंसी को काला तो नहीं आ रहा है? नहीं। तो देखिए आज वो बाल कटवा ली, प्रिंसी भी कटवाई है, देखिए प्रिंसी का तो बस सिंपल में ही कटवाई हूँ क्योंकि इसे स्कूल जाना होता है ना, इसे चोटी उटी करना, तो प्रिंसी का सिंपल में ही कटवाई और मैं आज अपना पहली बार ऐसा कटवाई हूँ। आज बहुत दिन के बाद साड़ी पहनी हूँ, बस अब साड़ी तो नहीं जमी मुझे वहाँ पे, क्योंकि ना बहुत छोटा मार्केट था, लोकल मार्केट है, तो साड़ी तो वहाँ मुझे कोई भी नहीं जमी। अब देखो साड़ी का क्या करती हूँ और बाल मेरा कैसा कटा है, आप लोग अब नए लुक में आप लोग देखोगे मुझे। और उसके बाद ना दोस्तों ये है शाम के समय, तो शाम के समय यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ चटनी। और चटनी मैं किस लिए बना रही हूँ कि ये ना वीडियो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले संडे को, तो पिछले संडे क्या हुआ कि इंडिया जीत गई थी और मुझे क्रिकेट के बारे में इतना नॉलेज नहीं क्योंकि मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है और फिर मैं ना उतना क्रिकेट देखती भी नहीं, लेकिन हाँ ये जानती हूँ कि इंडिया जीत गई है। तो उसी जीत में पार्टी हो रही थी बच्चों की, बाहर बन रहा था लिट्टी चोखा, तो लिट्टी चोखा जो चोखा होता है ना तो उसके लिए मतलब मेरे से कहा गया
लिया कि ढेर सारी धनिया लहसुन और हरी मिर्च पीसने के लिए, मतलब ये सारा बाहर से आया था, बस मुझे अंदर पीसना भर था मिक्सी में। और दोस्तों देखिए सीतामढ़ी का जो वीडियो कल का था ना, तो अच्छा तो बहुत, लेकिन उसकी बहुत सी बातें हैं कि मैं आप लोग को नहीं बताई, जो कि पापा लोग को मेरे पूरे पता है, क्योंकि पापा लोग हमेशा यहाँ रहे हैं ना। पापा लोग जो वाल्मीकि आश्रम है, पापा लोग मतलब जो पुराना वाला था, पापा लोग वहाँ पर काफ़ी पढ़ाई भी, पापा लोग की सीतामढ़ी से पढ़ाई हुई है। और पहले तो पापा लोग बताते थे वहाँ पर दिन में भी जाने में डर लगता था, इतना मतलब घना जंगल था। लेकिन हम धीरे धीरे डेवलप होते होते काफ़ी डेवलप हो गया है। तो देखिए जो नया वाला घर है ना, तो उसके सामने देखिए यहाँ पे बन रहा है लिट्टी चोखा, सब लड़के मिलके बना रहे, जो इंडिया जीत गई इस खुशी में। तो बस मैं मसाला पीस के ले आई हूँ, कहीं चलो थोड़ा सा यहाँ का आप लोग को भी वीडियो शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दो तीन जगह आग जलाई गई है, एक पे देखिए बैगन रख दिया गया है भूनने के लिए, और एक तरफ आलू रख दिया गया है। तो ये देखिए एक और आग जलाई गई है। तो इसी तरह से ना दो तीन जगह जलाएंगे ताकि लिट्टी उट्टी हो जाए, क्योंकि काफ़ी लोग हैं, कम से कम 30-35 लोग का खाना है, बस लड़कों का ही आपसे में है। तो बस यहाँ पे मैं भी आ गई थी, मैं भी थोड़ा बहुत इनके सबके साथ एंजॉय कर ले थी बैठ उठ के। तो बस यहाँ पे चलिए इनका सब, देखिए मनीष कुछ कर रहा था तो मैं इसका थोड़ा सा वीडियो बना ली थी। इस ये ना यहाँ पुराने सॉरी नए घर के पास गया ना, अंदर तो लाइट लेकिन बाहर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है। और यहाँ पे देखिए ये सब बैठ के छील रहे हैं लहसुन और प्याज। तो बस जो जो जिसे हर सबको काम पकड़ा दिया गया, कोई कुछ काम कर रहा है तो कोई कुछ काम कर रहा है, तो इस तरह से क्या होता है ना, किसी को अखरता भी नहीं और सब काम अच्छे से मिलजुल के हो जाता है। और कोई लिट्टी बनाने वाला काम, तो कोई आटा का काम, देखिए हम बच्चा पार्टी संभाल ली है, जो गर्ल्स बच्चा पार्टी होती है वो आटा का काम संभाल ली है। और ये प्रदीप है, तो ये लोग ना जो पलक है आटा बस लपेट के दे रही, और ये सब हाथ से उससे अच्छे से मल दे रहे थे, तो इस तरह से लिट्टी का आटा तैयार हो जा रहा था। और बाकी तो बाहर देखिए पूरा जो आग जली तो पूरा इसमें बनी रहा है लिट्टी। तो उसके बाद इनके सबके साथ मैं भी बैठ गई थी। देखिए अब बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे अच्छा, बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आ रहा था। और उसके बाद एक भैया हैं, देखिए प्याज पूरा काट रहे थे, जो चोखा में प्याज पड़ेगा, तो प्याज सलाद जो भी है सब यहाँ पे कर रहा था, बाकी तो आटा लग गया था। और दोस्तों खुशी की बात तो बहुत है कि हमारी इंडिया जीत गई, इससे बड़ी हम सबके लिए खुशी की बात क्या है, बहुत गर्व की बात है। और इसी गर्व में इसी खुशी में देखिए यहाँ पे हो रही थी पार्टी, और यहाँ ही नहीं कई जगह आज पार्टी होती होगी। तो बस उसके बाद देखिए बस हमारे यहाँ जो भी थे सब, जो भैया लगेंगे भतीजे लगेंगे या मेरे से छोटे हैं जो भी, सब लोग मिल के यहाँ पे बना रहे थे। और इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी, अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बाहर बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, तो इसलिए बाहर ही ये सब अपना कर लें। तो अक्सर ना अंदर ही खाना बनता है, यहाँ पे जो ये दलान है ना तो इसी में खाना बनता है, लेकिन बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी। लेकिन कहीं कहीं ना ये भी डर लग रहा है कहीं पानी ना बरसने लगे, अगर पानी बरसने लगेगा तो पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर सब बच्चे लगा लिए थे आटा, तो मैं हम लोग मिल के लगा लिए थे लिट्टी। और एक चीज़ क्या हुआ ना दोस्तों, जो ये आटा होता बहुत ही ज़्यादा गीला लग गया था, तो जिस वजह से लिट्टी ना बनी तो बहुत अच्छी लिट्टी थी, लेकिन ना बहुत लोगों को क्या है ना कि लिट्टी कड़ी पसंद होती है, और बहुत लोग क्या अक्सर जहाँ तक कि सबको लिट्टी कड़ी ही पसंद होती है, लेकिन ना लिट्टी थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी। और सॉफ्ट इसलिए हो गई थी ना क्योंकि देखिए लिट्टी का आटा जो होता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग गया था, जो कि बस क्या था ना बस कड़ी नहीं होती पकी थी, तो इस वजह से सबको कच्ची कच्ची लग रही थी। और एक तो हवा भी चल रही थी ना, हवा की वजह से भी क्या ना ये जो आग है बहुत जल्दी ठंडी हो जा रही थी, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी कोशिश भर अच्छे से इसे पकाने की कोशिश किए थे। और दोस्तों इंडिया जीतने की खुशी में किसे किसे पार्टी चाहिए, तो आ जाइए आप लोग भी लिट्टी चोखा खाने। बस लिट्टी चोखा का प्रोग्राम था, क्योंकि दाल चावल तो बना नहीं था, बस लिट्टी चोखा बना था। तो बस यहाँ पे देखिए मैं भी बना रही थी, हम सब मिल के बना रहे थे। खैर मेरा तो कोई मूड नहीं था, लेकिन ना फिर बैठी थी, कही चलो क्या करो इनके सबके साथ ही थोड़ा बहुत मैं भी लग जाती हूँ। और वैसे तो ये सब खुद इतना सक्षम है कि ये सब खुद अपने हाथ से बना खा लेते, यही मेरे यहाँ अच्छा है। तो उसके बाद देखिए लिट्टी चोखा जब बन गया, तो पूरे यहाँ पे देखिए बैठ गई हमारे घर की बच्चा पार्टी, एक तरफ बैठी है बच्चा पार्टी और एक तरफ बैठे हैं मीडियम पार्टी, मीडियम पार्टी यानी कि जो लड़के होते हैं वो। और यहाँ पे सामने देखिए पापा हैं, ये सब बैठ गए थे। और पापा तो मेरे लिट्टी नहीं खाए थे क्योंकि वो अपने दाँत की वजह से नहीं खा पाते हैं, तो पापा के लिए मम्मी बना दी थी रोटी।
तो बस इसी तरह से यहाँ पे सब बैठ गए थे खाना खाने। और मेरे यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत अच्छा कि मेरे यहाँ इकाई बहुत है, यही अच्छा है कि यहाँ पे सब बहुत मिलजुल के रहते हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और जो मतलब जो भी थे अपने अपने मोबाइल में सभी वीडियो बनाए, क्योंकि होता है ना कि अब आजकल क्या है ना, चाहे वो अच्छा पल है चाहे थोड़ा दुखी पल, लेकिन अपने अपने मोबाइल में सब थोड़ा सा उसका क्लिप ले लेते हैं, क्योंकि ये सब थोड़ी बहुत यादें रह जाती हैं। और ये सब को खासकर जैसे कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती ना जो बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मनीष लोग दे रहे थे सबको पानी, ये देखिए, और उसके बाद बैठे थे सब। अभी मनीष लोग नहीं बने बैठे थे, यानी जो करता धरता है ना, तो अभी वो नहीं खा रहे थे, पहले सब बच्चे, क्योंकि ना बच्चे सबसे ज़्यादा वो हो जाते हैं, बच्चों को ये होता ना कितनी जल्दी से, और नेवता के नाम पर ना बच्चे और भी खुशी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए, और उसके बाद देखिए सबको पानी दिया जाए, और हमारे यहाँ पे ना इसी तरह से पानी दिया जाता है, यानी कि जैसे जल चढ़ाते ना एक हाथ से होकर के, सब कहते हैं कि इसी तरह से पानी देना चाहिए। तो बस यहाँ पे हो गया था सबका खाना पीना। और थोड़ा ना दोस्तों रात का वीडियो है, यानी इस समय करीब 10:30 या 11:15 हो रहे थे, क्योंकि खाना बनाते बनाते काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था, क्योंकि ढेर सारा बना तो थोड़ा समय भी लग गया था, तो इसलिए ना थोड़ा यहाँ का वीडियो बहुत ज़्यादा काला आ रहा है। थोड़ा क्या काला, तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो कि लाइट है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना, लाइट जो लगी है बहुत ज़्यादा डीप है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे बैठ गई है करता धरता पार्टी, जो कि करता धरता थे, आप लोग समझ गए कि ये सब करता धरता वाले हैं, बाकी सब लोग खा पी चुके थे, बस ये सब रह गए थे लास्ट में। और इन्हीं सबको ना सबसे ज़्यादा अच्छी लिट्टी मिली थी, क्योंकि इनकी सबकी जो लिट्टी थी ना काफ़ी अच्छी कड़ी भी हो गई थी और अच्छे से एकदम पक भी गई थी। और बाकी तो देखिए सब खा पी चुके थे, और यहाँ पे देखिए मैं बैठी थी, मम्मी बैठे थे, और अब हम लोग भी चलेंगे खाएंगे। मेरा तो खैर दांत दर्द कर रहा था, तो मैं तो उतना लिट्टी खाऊंगी नहीं, हाँ इतने मन से बना है, इंडिया जीतने खुशी में एक तो मैं भी खाऊंगी, ज़्यादा नहीं एक दो तो खाऊंगी लिट्टी। तो उसके बाद देखिए बाहर सब खा पी के चले गए थे, और उसके बाद फिर मैं भी आ गई थी, मैं और मम्मी भी चल रहे खाना खाने, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया, इस समय 11:30 करेक्ट बज गया है। तो बस यहाँ पे देखिए मम्मी भी आ गई थी खाना लेके, क्योंकि मम्मी भी लिट्टी नहीं खाती हैं, क्योंकि मम्मी का भी थोड़ा दांत प्रॉब्लम है ना, तो मम्मी नहीं खा पाती हैं, जो कड़ा चीज़ होता है नहीं खा पाती हैं। तो मम्मी रोटी बनाई थी अपने और पापा के लिए, रोटी बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए मैं भी आ गई थी खाना खाने के लिए, और मनीष जो बाहर खाना है, देखिए जितना लिट्टी चोखा बना था बर्तन में, मनीष से कही कि रख दो मैं सुबह धुल दूंगी, लेकिन वो पूरा धुल के, देखिए प्रिंसेस पूरा बाहर धुल के और यहाँ ही भेज दिया। तो हम कहीं इसमें और भी जो सबके बर्तन, तो प्रिंसेस में कही कि यहाँ ही रख दो, जिसका सुबह बर्तन होगा सबका दे दूंगी, क्योंकि थोड़ा ना क्या है कि बच्चे लोग सब अपने अपने घर से चीज़ सामान ले आते हैं ना, तो फिर सबका ही बर्तन, तो हम कही चलो सबको सुबह दे दूंगी। और बस यहाँ पे देखिए मैं और मम्मी भी बैठ गए थे दोस्तों खाना खाने, और एक बार फिर से आप लोग कह रही हूँ कि आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए, साथ ही आज का वीडियो भी चलिए यहाँ पे एंड करूँगी। अगर आज का मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, साथ ही प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है, क्योंकि आप लोग के कमेंट का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हो ना कि पढ़ के सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस चलिए मैं भी खा लेती हूँ खाना, और उसके बाद ना यहाँ पर प्रिंसी आ गई थी, तो बस प्रिंसी से मैं कुछ कुछ लेना था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, हाँ अचार लेना था, क्योंकि अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो बस चलिए मैं भी खा लेती हूँ खाना, और मेरा नया लुक कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। अब आप लोग से अगले वीडियो में मिलूँ।